Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic, plant tissue, in class 9th in chapter 2, tissue. Okay student, in the previous video, we have discussed about the difference between plant tissue and animal tissue. Now in this video, we are going to discuss about the plant tissue. Okay student, just open your book and reach page number 52. In that page, there is a topic, plant tissue. Okay student, let's start. Plant contains various type of tissues. There are mainly of two types. Number one, meristematic tissue. Number two, permanent tissue. Okay student, now we are going to describe the plant tissue. Plant tissue. There are two type of plant tissue, mainly number one, meristematic tissue. Number two, permanent tissue. पहले बात करते हैं meristematic tissue कैसा होता है, यानी कि इसकी जो cells होती हैं वो capable होती हैं cell division में, यानी कि जो meristematic tissue होता है इसकी जो cells होती हैं वो आपकी cell division के लिए capable होती हैं और इनमें totipotency पाई जाती है. Totipotency क्या होता है? Totipotency का मतलब ये होता है कि इनमें capability होती है पूरी ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने की, यानी कि पूरी प्लांट बॉडी को ये क्रिएट कर सकती हैं. अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप का होता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नंबर वन एपिकल, नंबर टू लेटरल एंड नंबर थ्री इंटरगैलरी. बात करें एपिकल की, एपिकल का मतलब होता है टिप्स ऑफ द रूट. ये कहाँ पाया जाता है? एक तो रूट के टिप्स में और स्टेम में पाया जाता है. एंड ये कहाँ पाया जाता है? बिलो द बार्क एंड कैम्बियम ऑफ डिकॉट रूट्स एंड स्टेम, यानी कि स्टेम में और टहनी में क्या होता है, या बार्क में, बार्क के नीचे ये लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है. बात करते हैं इंटर गैलरी, ये कहाँ मिलता है? इंटर नोट्स ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम के इंटर नोट्स में पाया जाता है. स्टेम के इंटर नोट्स का मतलब ये होता है कि ये आपके लीफ के नीचे क्या होता है, पाया जाता है स्टेम के इंटर नोट्स में. वन बाय वन वी विल डिस्क्राइब इन लॉन्ग प्रोसेस, यानी वन बाय वन हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे. अब बात करते हैं इसमें परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू कैसा होता है? यानी कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो मैच्योर होती हैं और इनकैपेबल होती हैं सेल डिवीज़न में, यानी कि इसकी सेल्स मैच्योर होती हैं और इनमें सेल डिवीज़न नहीं होता. अब बात करते हैं इसमें सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू कैसे होते हैं? ये दो टाइप का होता है, एक सिंपल होता है और एक आपका कॉम्प्लेक्स होता है. बात करते हैं सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू कैसा होता है? यानी कि प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग, यानी कि ये कैसे होता है? एक तो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है और सपोर्टिंग, यानी कि प्लांट बॉडी को सर्वाइव करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है. अब बात करते हैं टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स. इस टाइप के जो टिश्यूज होते हैं वो सिंगल टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं. जब ये कौन से होते हैं? ये थ्री टाइप के होते हैं. नंबर वन पैरेन्काइमा, नंबर टू कॉलेन्काइमा एंड नंबर थ्री स्क्लेरेन्काइमा. अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं. कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब ये होता है ये वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. टिश्यूज़ कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपके एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने होते हैं. कौन कौन से होते हैं? नंबर वन होता है फ्लोएम एंड नंबर टू होता है जाइलम. तो फ्लोएम की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोएम कैसा होता है, यानी इसमें सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, फाइबर, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. अगर जाइलम टिश्यू की बात करें तो जाइलम वेसल्स, ट्रेकेट्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स. इस तरीके से क्या होता है कि फ्लोएम एंड जाइलम क्या होते हैं, डिस्क्राइब होते हैं. अब बात करेंगे हम वन बाय वन एक एक टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे.